फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओलिविया आर्ट स्टूडियो। और मैं हूं प्रियंका। मेरे चैनल का नाम है ओलिविया आर्ट स्टूडियो बाय प्रियंका। तो जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम एक और नया टेक्सचर डालने वाले हैं एमडीएफ के ऊपर, वो भी इपॉक्सी रेजिन से। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो रेजिन बिगनर्स हैं और जो रेजिन में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी अच्छा अच्छा कमेंट कर सकते हैं कि आपको आज का टेक्सचर कैसा लगा। और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किसके ऊपर टेक्सचर डालने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा 15 इंचेस का ये सर्कुलर एमडीएफ बेस है। तो इसपे आज हम पीकॉक कलर का टेक्सचर डालने वाले हैं। जो पीकॉक के मल्टी कलर्स होते हैं उसके, उन कलर्स के हम लोग इसमें टेक्सचर देंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा निकल के आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस पर हमने ये एक बैक साइड से ये लैमिनेटेड है और फ्रंट से ये वुडन बेस था। तो इसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइमर कोट करना सिखाया है, प्राइमर कोट हम इस पे कर चुके हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में प्राइमर कोट कैसे करें उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो प्राइमर कोट करने के बाद हमने इस पर कर ली है सैंडिंग। सैंडिंग करनी जरूरी होती है ताकि जो हम नेक्स्ट कोट हम लगाते हैं बेस कोट, वो इस पे इजीली सेटल हो जाए, इस पे चिपक जाए। तो प्राइमर कोट हो गया स्टेप वन, सैंडिंग हो गई स्टेप टू। नाउ अब आता है स्टेप थ्री, बेस कोट, जिसपे हम इस पे सुंदर सुंदर कलर्स देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अब कैमरे को बैक डाउन कर दूंगी क्योंकि वीडियो मैं अकेले शूट कर रही हूँ। तो आप देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए और बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा, टेक्सचर कैसा लगा आपको। तो प्राइमर करने के बाद सबसे पहले हमें इसे अपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करना होता है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल इस पर ना रह जाए। तो चलिए अब हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग अपने रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके कंपोनेंट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, रेजिन से काम करने में हमें ये ध्यान रखना होता है कि रेजिन और हार्डनर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो इस हमने कप में रेजिन और हार्डनर को ले लिया है और इसके बाद हमें इसे लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह से साइडों से स्क्रेप करते हुए करना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नीचे से भी हमने इसको स्क्रेप कर देना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, और ऐसे भी स्क्रेप करना है इसको मिक्स। हमारी ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें जो जो कलर्स बनाने हैं तो हम इसको उसमें डिवाइड करेंगे। इस तरह के छोटे कप आप ले लेंगे और जो जो कलर्स आपने बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग एक कलर बनाएंगे पर्पल, चलो साथ साथ हम बनाते जाते हैं। ऐसे इन कप्स में थोड़ी थोड़ी डिवाइड कर देंगे। और थोड़ी सी अभी हम इसमें बचा लेंगे हमारा जो मेन कलर है ब्लैक कलर, उसको बनाने के लिए। तो ये मैंने पर्पल पर्ल कलर लिया है, उसे मैं डाल के मिक्स करूंगी इसमें। और ये जो हमने बचाई थी इसमें हम मिलाएंगे ब्लैक कलर,
क्योंकि हमारा जो बेस कलर है वो ब्लैक है। तो ये वाला स्पून हम इसमें से निकाल देंगे। हमें अपना जो ब्लैक कलर बेस कलर बनाया है उसे इस पे डालेंगे और फिंगर्स की हेल्प से इसे स्प्रेड करेंगे, कॉर्नर्स की तरफ डालेंगे। कॉर्नर्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि कॉर्नर्स छूट ना जाए। और इस तरह से फिंगर्स को चलाएंगे ताकि यहां पर भी कवर हो जाए। साइड्स कवर करना बहुत जरूरी है। लगा लिया है। इसके बाद जो हमारे दूसरे कलर्स हैं हम इनको इस पर डालेंगे। किसी भी शेप में आप डाल सकते हैं कलर्स को, एक ही बार में सारे नहीं डालने, बचा लेने, थोड़ा थोड़ा करके हम इन पे डालेंगे। हम इसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से कलर्स को ऐसे ऐसे थपकी देंगे। आपस में मिक्स नहीं करना है, कलर का इफेक्ट भी बने रहना चाहिए। बस हल्का हल्का हमें ऐसे इसको थपकी देते रहना है। बस फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं अकेली हूँ वर्कशॉप पे और खुद ही वीडियो शूट कर रही थी ट्राइपॉड पे लगाकर, तो थपकी देने वाले पार्ट के बाद वीडियो कब ऑफ हो गया मुझे पता नहीं चला। और जब मैंने ये टेबल कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद मैंने देखा कि कैमरा ऑफ हो चुका था। तो आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने टेक्सचर्स जो कलर्स डाले थे उसके बाद मैंने थपकी दी, और थपकी देने के बाद मैंने ये जो ब्यूटेन टॉर्च होती है इससे पहले बबल्स को रिमूव किया, हीट दी, और उसके बाद मैंने जो हमारी हॉट एयर गन होती है ये वाली हॉट एयर गन की हेल्प से इन कलर्स को ब्लो करा ताकि ये आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इफेक्ट निकल कर आया है, क्योंकि कैमरा पूरी तरह से किसी भी इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल से टेक्सचर्स निकल कर आए हैं। डे लाइट में मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये ड्राई हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा कि इसके ऊपर टॉप कोट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसको पूरा प्रिपेयर करके रेडी करके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। और कॉमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी की बन है, आप वहां मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। अभी हम ये टेबल टॉप और वॉल क्लॉक पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आता है, कुछ आप बाय करना चाहते हैं या बल्क ऑर्डर्स देना चाहते हैं तो हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं, आप हमें मेल करिए। तो देखिए ये कलर्स निकल कर आए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं प्राइमर कोट की वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाकर मेरी प्राइमर कोट की वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।